फतेहाबाद में 12 साल बाद नए राशन कार्ड प्रिंट होकर जिला मुख्यालय में दिल्ली से पहुंच गए हैं। अब से पहले 2005 में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड दिए गए थे। हर 5 साल बाद नए राशन कार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन सर्वे व ऑनलाइन के चक्कर में राशन कार्ड बनाने में इतना लंबा समय लग गया। राशन कार्डों को 4 भागों में बांटा गया है। ए वाई श्रेणी को गुलाबी कार्ड, बीपीएल श्रेणी को पीला, ओपीएच को खाकी तथा एपीएल को हरा कार्ड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दिया जाएगा। राशन कार्ड आज कॉम्फिट कार्यालय में ये पहुंचे हैं। इन्हें कब डिपो संचालकों की मदद से बांटा जाएगा ये अभी तय नहीं है। कार्ड के लिए 5 से लेकर 20 रुपये तक की फीस रखी गई है। इन राशन कार्ड की मुख्य विशेषता यह है कि इन पर परिवार का फोटो नहीं है। फोटो की जगह सभी के आधार नंबर के नाम के आगे लिखे गए हैं। इसके अलावा राशन कार्ड पर विशिष्ट राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड की श्रेणी, परिवार के मुखिया का नाम, LPG गैस उपभोक्ता नंबर, गैस एजेंसी का नाम, मकान नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर सहित सब जानकारी कंप्यूटर से प्रिंट होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति ऐप उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से राशन कार्ड जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी किए गए कार्ड हैं। कार्ड पर राज्य उपभोक्ता सहायता टोल फ्री नंबर 1800180207 तथा 1967 नंबर भी जारी किया गया है। राशन कार्डों में नाम कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हैं। नाम के आगे आधार नंबर है। जिन्हें आधार नंबर नहीं दिए हैं, AAY गुलाबी 11155 प्रिंट व 2200 बिना प्रिंट के, जिसकी कीमत 5 रुपये रखी गई है। BPL पीला 38248 प्रिंट, 13000 बिना प्रिंट और कीमत 10 रुपये। OPH खाकी 119500 प्रिंट किए हुए, जिसकी कीमत 20 रुपये निर्धारित की गई है। इस बारे जानकारी देते हुए खाद्य पूर्ति विभाग के उप निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि नए राशन कार्ड धारकों को लंबे समय से इंतजार था। आज राशन कार्ड पहुंच गए हैं। अलग अलग श्रेणी के अलग अलग रंगों के कार्ड आए हैं, जो प्रिंट व बिना प्रिंट हैं। करीब 2.5 लाख कार्ड आए हैं। फतेहाबाद में मिलता है राशन। अत्योदय अनाज योजना के पात्रों को प्रति महीना 35 किलो गेहूं प्रति परिवार को रुपए किलो के अनुसार मिलती है। OPH प्रायोरिटी हाउस कैटेगरी के पात्रों को हर महीने 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति को रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। सामान्य कार्ड धारकों को किसी भी तरह का राशन नहीं मिलता है। फतेहाबाद से आज़ाद TV न्यूज़ के लिए जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट। पहले थोड़े दिन पहले सारे राशन कार्ड ऑनलाइन करने का काम किया गया था। अब सरकार द्वारा 4 तरह के राशन कार्ड आए हैं। इसके अंदर APL और BPL और फूड सिक्योरिटी एक्ट के कार्ड, चारों तरीके के कार्ड आए हैं, जो कि उपभोक्ताओं में अब बांटे जाने हैं। क्या रहेगी खासियत? खासियत ये है इनकी, ये चंडीगढ़ से ही छपे हुए कार्ड आए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनके अंदर हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, इनको वेरीफाई करके सीधा हमें उपभोक्ताओं को वितरण करना है। तो क्या फायदा क्या होगा इससे उपभोक्ताओं? फायदा, राशन कार्ड पहले 2005 में नहीं बने थे, उसके बाद उपभोक्ता काफी करेले के चक्कर लगाते थे। हमारा राशन कार्ड में नाम जोड़ना है, काटना है, काफी परेशानियां आ रही थी। लेकिन अब ये बनने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। हर उपभोक्ता के पास, जो भी राशन लेने वाला उपभोक्ता है, उसके पास ये